कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, ये वो स्कैंडल था जिसने पूरी दुनिया को ऑनलाइन प्राइवेसी का मतलब समझा के रखा था। स्कैंडल काफी सिंपल था, मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स का डेटा फेच किया गया था विदाउट बीइंग देयर कंसेंट, एंड बाद में इसी डेटा को यूज करके इन सारे वोटर्स के एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्रिएट कर रखी थी। एंड देन लेटर ऑन 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान ईडी वोटर्स को एक सर्टन स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट टारगेट की गई थी, एंड इन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू उन वोटर्स के थॉट्स एंड डिसीजंस को मैनिपुलेट किया गया था टू वोट फॉर अ सर्टन कैंडिडेट। सो बेसिकली अप्रोच ऑफ दिस वीडियो इज वेरी सिंपल। हमें अब तक ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट कर सके। बट यू नो वॉट, सोशल मीडिया इज समथिंग मोर देन दैट। सोशल मीडिया आज के डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी पर्सन के डिसीजंस एंड थॉट्स को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, एंड दैट इज एको चैम्बर इफेक्ट। दिखने में तुम्हें ये एक काफी छोटा शब्द लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम्हारी 40-50% ऑफ द डिसीजंस के लिए ये एको चैम्बर इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली एको चैम्बर एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें एक इंडिविजुअल किसी भी चीज को लेकर इतना ज्यादा सुनता है या फिर उसके बारे में इतना ज्यादा देखता है कि वो खुद को आइसोलेट करके उस चीज के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करने लगता है। जस्ट एन एग्जांपल, एक 15 साल का बच्चा एंड ही लव्स टू प्ले द वीडियो गेम, एंड इवन वो जब भी अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ मिलता है तब भी वो सिर्फ वीडियो गेम्स के बारे में ही डिस्कस करता है, एंड स्पेशली उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी सारा गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट फीड किया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ही कुछ इस तरीके से काम करता है। आप जिस पोस्ट को ज्यादा लाइक करते हो या फिर जिस पोस्ट को आप सबसे ज्यादा शेयर करते हो, आपको वही कंटेंट या फिर वही फीड सबसे ज्यादा सजेस्ट की जाती है, सो दैट ये सोशल मीडिया कंपनीज आपको उनके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा देर एंगेज रख सके, फिर चाहे वो अमेज़न हो या फिर फ्लिपकार्ट। एंड एक पॉइंट के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें इस इंडिविजुअल इंसान के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सिर्फ गेमिंग से रिलेटेड ही कंटेंट फीड किया जाता है, एंड बाद में उसी छोटे बच्चे को लगना लगता है कि दैट गेमिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड एक बार इस इंडिविजुअल इंसान का गेमिंग के ऊपर बिलीफ क्रिएट हो जाता है, देन ट्रस्ट मी, वो बच्चा उस सोशल मीडिया कंपनी के लिए काफी अच्छा एसेट बन सकता है, एंड बाद में यही सोशल मीडिया कंपनीज उसे गेमिंग से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स फीड करती रहेगी, फिर चाहे वो गेमिंग लैपटॉप की हो या फिर गेमिंग पीसी की। अब जबकि उस बच्चे का गेमिंग के अंदर इंटरेस्ट और बिलीफ दोनों क्रिएट हो रखा है, देन ऑब्वियसली बात है वो बच्चा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो परचेस कर ही लेगा, जबकि रियलिटी में आपको उस चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड दैट्स हाउ सोशल मीडिया कंपनीज आपका यूज करती है सो दैट वो अपने प्रोडक्ट को आपको बेच सके। सो हियर कम्स द सेकंड चैप्टर, एंड दैट इज manipulation of thoughts. So, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि social media का algorithm किस तरीके से काम करता है to keep you engaging on their platform. And उसी algorithm का use करके आपके user experience को और भी ज़्यादा personalized बनाया जाता है. And trust me, election के दौरान गलती से भी अगर आपने किसी भी candidate के positive post पर like या फिर उसके नीचे comment भी कर दिया ना, then आपका जो social media account है ना, वो सिर्फ उसी candidate के positive चीजों को highlight करके आपको दिखाएगा, so that आप उनके platform पर engage रह सको. And एक वक्त के बाद ना उस candidate के आपको पॉजिटिव पोस्ट ही देखने को मिलेगी आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर, एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उसी कैंडिडेट को वोट करोगे। ये आपको लग रहा होगा कि ये आपका डिसीजन है, बट यू हैव बीन मैनिपुलेटेड, एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एंड दैट इज कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। एंड इवन ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है ना, अपना यूजर एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा पर्सनलाइज बनाने के लिए ये माइक्रोफोन तक का भी एक्सेस लेती है। नाउ लेट मी टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मेरे साथ ना ऐसा बहुत बार हो चुका है, मतलब मैं अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ ना एक सर्टन या फिर एक रैंडम टॉपिक के पर डिस्कस करता हूं, एंड व्हाट आई फाउंड इज दैट कि मैं जिस टॉपिक पर मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ डिस्कस कर रहा था ना, उस टॉपिक पर मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स मेरे स्मार्टफोन के अंदर दिखती है। अब ये कोइंसिडेंस है या फिर समथिंग एल्स, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज़ यू नो व्हेन एवरीथिंग इज फ्री देन यू आर अ प्रोडक्ट। लेकिन बात यहां पर सिर्फ मैनिपुलेशन ऑफ थॉट्स या फिर एको चैंबर की नहीं है, बल्कि कुछ सीरियस कंसर्न्स भी है, लाइक फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, जैसे कि अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करना, जैसे कि अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के स्टोरी एंड पोस्ट को देखकर इन्फ्लुएंस होना, एंड ये मान लेना कि यार उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो, कि लाइफ में एडवेंचर एंड थ्रिल है, बट मेरी लाइफ उनकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आधी से ज्यादा चीजें एग्जैजरेट करके बताई जाती है, तुम इन चीजों को ज्यादा सीरियसली मत लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। सो द मोरल ऑफ दिस वीडियो इज दैट बी क्रिटिकल ऑन कॉन्टेंट वॉट यू कंज्यूम, नॉट एवरीथिंग दैट यू सी ऑन द सोशल मीडिया इज ऑलवेज ट्रू। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, टिल दैट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।